उदयपुर चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने विचारधारा की बात की। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के विकल्प पर बात करते हुए उन्होंने छोटी पार्टियों को विचारधारा विहीन बता दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस ही खड़ी हो सकती है, क्षेत्रीय पार्टियों के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिसके कारण उनका भाजपा के सामने टिकना मुश्किल है। राहुल गांधी के इस विचारधारा के ऊपर छोटी पार्टियों ने कांग्रेस को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि जिन पार्टियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, उसने भी राहुल गांधी के इस विचारधारा का विरोध किया। झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि कई राज्यों में उसकी उपस्थिति ही क्षेत्रीय पार्टियों के कारण है। झामुमो ने कहा कि राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि कई राज्यों में कांग्रेस को चुनाव लड़ने और जीतने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे की जरूरत होती है, चाहे झारखंड में झामुमो हो या फिर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। यही नहीं, बिहार में कांग्रेस की सहयोगी राजद ने भी राहुल गांधी के इस बयान का विरोध किया है। सहयोगी पार्टियों के अलावा दूसरी क्षेत्रीय पार्टी ने तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के इस बयान का मखौल ही उड़ा दिया। कांग्रेस छोड़कर हाल में टीएमसी में शामिल हुई सुष्मिता देव ने कहा कि हम लोग हर सीट के ऊपर चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन देखा जाए तो जहां भी कांग्रेस के साथ भाजपा की सीधी टक्कर है, वहां भाजपा ज़्यादा मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए कि विचारधारा किसके पास है और भाजपा के खिलाफ कौन ज़्यादा मजबूती से खड़ा है। कांग्रेस की पूर्व सहयोगी समाजवादी पार्टी ने भी राहुल गांधी के इस बयान की आलोचना की। देखा जाए तो एक तरफ कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की बात कर रही है, तो दूसरी ओर उसके नेता ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसके कारण क्षेत्रीय पार्टियां इससे दूर होती जा रही है। राहुल गांधी के बयानों से तो कांग्रेस की और भी किरकिरी हो जाती है, क्योंकि जब भी राहुल गांधी अपना मुंह खोलते हैं या तो भाजपा की ओर से उन्हें ऐसा जवाब मिलता है कि उनकी बोलती बंद हो जाती है या फिर विपक्षी पार्टी भी उन्हें आईना दिखा देती है। ऐसे भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पहले ही कांग्रेस को बड़ी पार्टी मानने से इनकार कर दिया है और अब तो आम आदमी पार्टी भी इसी राह पर चल पड़ी है। पंजाब में चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया था कि कांग्रेस का भी दो राज्यों में सरकार है और उनकी भी दो राज्यों में सरकार है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से छोटी पार्टी कैसे हुई। मतलब साफ है कि राहुल गांधी की जुबान खुलते ही कांग्रेस का आधार थोड़ा और ही खिसक जाता है। इसलिए जब तक राहुल गांधी के जुबान पर कंट्रोल नहीं होगा, तब तक कांग्रेस का बुरा हाल ही होता रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।